तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सोलर आटा चक्की के बारे में बात करेंगे कि सोलर आटा चक्की चलाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए अगर आपकी 10 हॉर्स पावर की मोटर है तो आपको उससे कितना सोलर लगाना चाहिए, कितनी उसकी कॉस्ट आएगी, जो लागत होती है वो कितनी आएगी, और सोलर लगाने के लिए सोलर से आटा चक्की चलाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या ऐसे इक्विपमेंट है जो आपको लगाने चाहिए, तो फिर आपको मोटर इस पर बदलनी चाहिए नहीं बदलनी पड़ेगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो में बने रहिए, चलिए आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे देते हैं कि आप अपनी आटा चक्की को सोलर से कैसे चलाएँ। सो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि अगर आप अपनी 10 HP की आटा चक्की को सोलर से चलाएंगे तो क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। दोस्तों आपको जो इसमें मुख्यतः ज़रूरत पड़ने वाली है वो सोलर पैनल की, GI फ्रेम, VFD ड्राइव, DC/DC बॉक्स, सोलर तार, सोलर अर्थिंग, लाइटिंग रजिस्टर, ये वो चीज़ें हैं जो मुख्यतः आपकी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। दोस्तों इसमें जो सबसे मुख्यतः होता है वो होता है सोलर पैनल, जो सोलर मॉड्यूल लगाएंगे आप, जिससे आप अपनी आटा चक्की को अच्छे से रन पर कर पाएंगे। तो आइए समझ लेते हैं कि आप कौन सी सोलर पैनल हैं जो लगाएं, कौन सा सोलर मॉड्यूल है जो लगाएं जिससे आपकी आटा चक्की अच्छे से रन हो, और अगर आप 10 HP की मोटर चला रहे हैं तो उस पर आपको कितने सोलर पैनल लगाने चाहिए, कितने वाट की सोलर पैनल लगाने चाहिए, और कौन सा मॉड्यूल लगाना चाहिए, कौन सी क्वालिटी लगानी चाहिए जिससे आपकी अच्छे खासी आपकी 10 हॉर्स पावर की मोटर अच्छे से रन हो जाए। तो दोस्तों अगर हम सोलर पैनल की बात करें तो सोलर पैनल जो इजीली अपने यहाँ अवेलेबल होते हैं वो होते हैं पॉली सोलर पैनल, मोनो सोलर पैनल, मोनो पर हाफ कट सोलर पैनल और बाईफेसियल पैनल। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले मुख्यतः मोनो पर हाफ कट सोलर पैनल के बारे में कि सोलर पैनल ये क्यों ज़रूरी है। अगर आप अपने यहाँ सोलर से आटा चक्की चलाना चाहते हैं तो आपके ये मोनो पर हाफ कट पैनल लगाना क्यों ज़रूरी होता है, इसकी क्या खासियत होती है और कितना कॉस्टिंग आती है अगर आप मोनो पर हाफ कट सोलर पैनल से अपनी आटा चक्की चलाएंगे तो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आप अगर 10 हॉर्स पावर की मोटर से आप आटा चक्की चलाना चाहते हैं तब आपके यहाँ कितना सोलर लगेगा। दोस्तों जो मोनो पर हाफ कट पैनल आते हैं वो आते हैं 535 वाट की, जो सबसे बड़ी प्लेट आती है इसकी वो होती है 535 वाट की या 540 वाट की। अगर हम 535 वाट का अनुमानित ले लें, 535 वाट का हमारा जो प्लेट है वो रहेगा, तब अगर आपको 10 हॉर्स पावर की डबल लोड चलाना है, मतलब आटा चक्की और स्पेलर दोनों साथ में चलाना है, तो उस समय आपको लगाने पड़ेंगे 15 किलोवाट। दोस्तों अगर हम 535 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा वाट आता है वो लगभग 15,000 वाट आता है, मतलब 15 किलोवाट हमारा ये बनता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसको लगाने से क्या फ़ायदा है, मोनो पर हाफ कट ही क्यों सोलर हम लगाएं अपने यहाँ। दोस्तों अगर मोनो पर हाफ कट प्लेट अगर आप देखे होंगे तो आपको दिखाई दिया होगा कि उसमें जो सेल्स होते हैं वो सेल्स होते हैं 144 सेल, जिसमें सोलर सेल्स होते हैं वो 144 सेल होते हैं, जो पॉली प्लेट या मोनो प्लेट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिससे इसकी सुपर हाई फैंसी मॉड्यूल निकलती है। और इसमें जो बस बार होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉली प्लेट या मोनो प्लेट से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस वजह से ये प्लेट लगाने से आपका प्रॉफिट क्या होगा, इससे करंट एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है इसकी, जिससे आपके यहाँ का वेदर सही नहीं है, मौसम सही नहीं है, ठंड का मौसम है, इस मौसम में भी आपका जो आटा चक्की स्पेलर है वो डबल लोड 10 हॉर्स पावर के मोटर के साथ इस प्लेट के साथ में ईजिली से चला पाएंगे आप। तो यही कारण होता है कि आप हाफ कट प्लेट लगवाएं, जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उस टेक्नोलॉजी के साथ जाएं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका जो कॉस्ट आती है, लगभग जो लागत लगती है वो कितनी आएगी अगर आप हाफ कट प्लेट लगवा रहे हैं और 15 किलोवाट अगर आप सोलर लगवा रहे हैं तो वो कितनी आती है। तो अगर दोस्तों वैसे तो कॉस्ट जो होती है वो पॉली और मोनो की तुलना में थोड़ा ज़्यादा आती है, बट क्वालिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है ये प्लेट। कॉस्ट की बात करें अगर कितना आ जाएगा तो अप्रॉक्स जो मैं बता रहा हूँ ये अप्रॉक्स कॉस्टिंग होती है, लगभग अनुमानित जो कॉस्टिंग आती है वो आती है। वैसे तो दोस्तों कॉस्टिंग जो होती है वो ब्रांड के हिसाब से होती है कि किस ब्रांड का सोलर है उस हिसाब से ये कॉस्टिंग आती है। दोस्तों जो कॉस्टिंग लगभग पड़ती है आपकी, अगर हाफ कट प्लेट है तब आपकी जो कॉस्टिंग पड़ेगी वो लगभग आपको, अगर हाफ कट प्लेट रहे हैं, 35 रुपये पर वाट या 36 रुपये पर वाट, ब्रांड के हिसाब से आपकी कॉस्टिंग पड़ने वाली है। दोस्तों आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी जो कॉस्टिंग आएगी वो कितनी आएगी सोलर की। उसके बाद जो कॉस्टिंग आती है स्ट्रक्चर की, DC/DC की, VFD की, ये सारे भी ब्रांड के हिसाब से होते हैं कि आप कितने MM का स्ट्रक्चर ले रहे हैं, कौन सी किस कंपनी की VFD ले रहे हैं,
इस हिसाब से जो कॉस्टिंग आती है पूरा, अगर ऑल ओवर दोस्तों कॉस्टिंग जोड़े हैं कि कितना लागत जो हमारा लगेगा इस बिज़नेस को करने में, तो जो लागत होती है वो अगर हम अप्रॉक्स अनुमानित लागत जो होती है मटेरियल सभी मटेरियल के साथ अच्छे ब्रांड के साथ, तो लागत होती है वो होती है लगभग 680,000 या 600,000। सो दोस्तों अगर अब हम बात करते हैं कि आपका ये जो लागत लग रहा है ये आप कितने साल में रिकवर कर लेंगे और इसको लगाने से क्या फ़ायदा है, दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो आपको बता देते हैं कि सोलर मॉड्यूल जो होता है उसकी वारंटी पीरियड जो होती है वो 25 साल होती है। और सोलर एक ऐसा क्रिस्टल होता है जिसमें आपको मेंटेनेंस नहीं आता है, लंबे टाइम के लिए मेंटेनेंस फ्री होता है, इस वजह से ये लंबे टाइम के लिए चलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपकी रिकवरी कैसी होगी ये आपको समझा देते हैं। मान लीजिए आप अभी अपनी जो आटा चक्की है स्पेलर है इसको आप लाइट से या फिर आप तेल इंजन डीजल इंजन से चला रहे हैं, तो अगर हम एक अनुमानित राशि मान लेते हैं कि अगर आपका जो बिजली बिल या तेल इंजन डीजल इंजन का जो खर्च है अगर कम से कम हम ले लें तो 20,000 या 15,000, चलिए 15,000 कम से कम ले लेते हैं, तो अगर 15,000 भी हम आपके अनुमानित राशि को ले लेते हैं पर महीने जो खर्च होता है आपका डीजल इंजन या बिजली बिल का वो आपके हर महीने का 15,000 बचाएगा। मतलब अगर आप कैलकुलेट करें इसको तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो कैलकुलेशन आएगा वो लगभग पर ईयर पर साल आपका हर साल लगभग आपका 180,000 तक की रकम कम से कम ये बचाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी लगभग 3 साल में या 2.5 साल में आपकी अच्छी खासी रिकवरी इसकी हो जाएगी। और ये सोलर मॉड्यूल जो है इसकी वारंटी पीरियड 25 साल होती है, मेंटेनेंस कोई आता नहीं इसमें, तो फिर आप इसको लंबे टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। आपको इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं आएगा तो आप बचे हुए 20 साल या 23 साल आप अच्छे से बिना किसी चार्ज के आप पिसाई या पिराई करके अच्छा खासा मोटा मुनाफा गेन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में सोलर आटा चक्की से रिलेटेड सभी जानकारियां आपको प्राप्त हो गई होंगी। दोस्तों अगर आपको सोलर आटा चक्की और सारे प्लांट देखने हैं चलते हुए तो आपको इसी चैनल पे इसकी और सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जहां पर जगह जगह पर लगा हुआ सोलर से आटा चक्की प्लांट आपको दिख जाएगा। दोस्तों अगर आपको ऐसे और वीडियो देखना पसंद हो, सोलर टेक्नोलॉजी के बारे में और जानकारी चाहिए हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको समय समय पर अनेकों प्लांट की जानकारियाँ या फिर सोलर टेक्नोलॉजी की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए प्लांट पे नए इन्फॉर्मेशन के साथ, अभी के लिए गुड बाय।